हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शालू। तो आज फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं हाइलाइटिंग से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हाइलाइटिंग प्लस प्री लाइटनिंग सिखाने जा रही हूँ। अगर आप भी इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो देख के आपको इजीली हाइलाइटिंग करनी आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और जिन्होंने हाइलाइटिंग करवाई है आफ्टर का हम रिज़ल्ट भी शो कर रहे हैं। जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, हमने यूज़ किया है कैराफाइन शैम्पू, ताकि हेयर में अच्छे तरीके से वॉश कर लें और पूरा मॉइस्चर निकल जाए, ताकि जो प्रोडक्ट है हेयर्स में अच्छे तरीके से काम कर सके। ब्लोंडर लिया है हमने वेला का, साथ में हमने डेवलपर यूज़ किया है 40 वॉल्यूम का मैट्रिक्स का। ग्लव्स यूज़ किए हैं, बाउल लिया है, टू कॉम्ब्स ली हैं, ब्रशेस लिए हैं, और फॉइल पेपर को हमने पहले से ही कट करके रख लिया है। ये मेरी क्लाइंट के हेयर हैं, इनके कुछ हेयर्स हल्के फुल्के वाइट हैं और इनके हेयर जो हैं हिना कोटेड हैं। हमने ब्लोंडर ले लिया है और ब्लोंडर में हम 40 वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं। हमने इसकी जो रेशियो रखी है 1:1.5 है, क्योंकि इनके जो हेयर्स हैं ना तो ओवर सेंसिटिव हैं, ना कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई वाले हैं, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हैं। तो फिर ऐसे में अगर आपके क्लाइंट के हेयर ओवर जैसे हार्ड वाले होते हैं तो आप 1:1 का भी ले सकते हो, पर मैंने जो इनके हेयर्स के अकॉर्डिंग ही इसका प्रिपोर्शन रखा है, आप उस हिसाब से रख सकते हो जैसे आपके क्लाइंट के हेयर हों। और सबसे पहले हमने इनकी ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ली थी। अब सबसे नीचे ईयर वाला हमने सेक्शन लिया है और वहाँ से हमने निकाली है एक स्लाइस। स्लाइस में से फिर हमने उसे स्टिकिंग कर ली है। इसे स्टिकिंग करना भी कहते हैं और वीविंग भी करना कहते हैं। और एक कॉम में अच्छे से वो लगा लिया है फॉइल पेपर पर। फॉइल पेपर लगाने से पहले आपने उस पर नीचे प्रोडक्ट लगा लेना है, क्योंकि ये मैंने बाद में लगाया है, पर आप पहले से ही लगा ले, आगे हमने पहले ही लगा लिया था। इससे क्या होता है कि हेयर में बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाता है और वर्क भी अच्छे तरीके से करता है। नीचे नहीं तो नीचे की हेयर्स अच्छे से कवर नहीं हो पाते। यह प्रोडक्ट हमारे बालों में ब्लीच करने का काम करता है। जो हमारे बालों में हमने अपना डिज़ायर कलर करना है, तो उसको करने से पहले हमें अपने हेयर्स का कलर कट करना पड़ता है, यानी हेयर्स को ब्लोंड करना पड़ता है। तो इसलिए हम हेयर्स में ब्लोंडर का यूज़ करते हैं। और हमें सेक्शन निकालने हैं ईयर टू ईयर, और स्टिकिंग करते हुए करनी है वीविंग। वीविंग भी कर सकते हैं, स्टिकिंग भी कह सकते हैं इसे। और आप जब भी वीविंग करते हो तो आप क्लाइंट से पूछ लो कि उन्हें किस टाइप की स्टिकिंग चाहिए। अगर उन्हें मोटी मोटी लेयर चाहिए तो आप मोटी मोटी लेयर निकालें, अगर उन्हें बारीक में चाहिए तो थोड़ी सी बारीक निकालें। मेरी क्लाइंट ने बोला था कि ना मुझे ज़्यादा बारीक चाहिए ना ज़्यादा मोटी, तो आप उस तरीके से इजिली निकाल सकते हो जैसे कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। और अच्छे तरीके से आपने प्रोडक्ट को ब्रश से ब्रशिंग करनी है, बहुत अच्छे तरीके से। ब्रशिंग भी बोल सकते हो, इमल्सिफिकेशन भी कह सकते हो। जिन्हें थोड़ी इंग्लिश प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी अच्छे से ब्रश को चलाएं, थोड़ा स्ट्रेट भी चलाएं, ताकि अच्छे से प्रोडक्ट हेयर में वर्क कर सके। और आपने प्रोडक्ट ना तो बहुत ज़्यादा लेना है ना ही बहुत ज़्यादा कम। इमल्सिफिकेशन यानी कि ब्रशिंग बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि प्रोडक्ट अच्छे से वर्क करे। जब भी आप इसमें काम कर रहे हो तो एकदम से पूरे मोटे सेक्शन की वीविंग ना लें, पहले एक स्लाइस लें, स्लाइस में से एक छोटा सेक्शन लें, फिर उसमें से वीविंग करें। देखिए, जैसे कि मैंने पूरा सेक्शन लिया है, फिर उसके बाद उसमें से छोटा सेक्शन लेके उसमें से वीविंग की है। तो आप इस तरीके से अच्छे से वीविंग कर सकते हो। और इसमें आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि स्कैल्प पे बिल्कुल भी ब्लोंडर नहीं लगना चाहिए। अगर यह स्कैल्प पे लग जाएगा तो इससे स्कैल्प बर्न हो सकती है। आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान देना है कि 1 इंच कम से कम बालों में छोड़कर लगाएं, ताकि स्किन बर्न ना हो, क्योंकि यह एक केमिकल प्रोडक्ट है जो हमारे हेयर के कलर को बिल्कुल डिफ्यूज्ड कर देता है। तो ऐसे में अगर स्किन में लग गया तो स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी ब्लोंडर का यूज़ करें तो यह चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी ब्लोंडर को आपने स्कैल्प पर यूज़ नहीं करना। बहुत अच्छे तरीके से इमल्सिफिकेशन हो रही है। मैंने 2 साइड्स की इनकी स्टिकिंग की थी, हाफ साइड उधर हाफ साइड इधर, 5 इधर 5 उधर। अच्छे तरीके से जब हम प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो हम इसमें कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं होती, आपको विजुअल चेक करना होता है कि ब्लोंड हुए या बाल नहीं। क्योंकि मेरे क्लाइंट के हेयर
थोड़े से नॉर्मल में थे और इनके हेयर ऑलरेडी खीना कोटेड थे, तो और इनको ज़्यादा गोल्डन कलर भी नहीं चाहिए था, तो जितनी इनकी रिक्वायर्ड थी उस हिसाब से इनके कलर आ गया था। तो हमने एक वेट टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसमें साथ के साथ नोट लगा दी है, क्योंकि फिर इस पर हमने कलर भी करना है, कलर डिपॉजिट करना है। अभी तो इसमें प्री लाइटनिंग ही हुई है और विजुअल चेक कर लिया है, जितनी इनको रिक्वायर थी उस हिसाब से इनके कलर आ गया था। क्योंकि हिना कोटेड हेयर में क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से हेयर गोल्डन नहीं हो पाती है और इनको गोल्डन करने भी नहीं थे, तो ये इनकी प्री लाइटनिंग का रिजल्ट है कि प्री लाइटनिंग हो चुकी है क्योंकि इनके हेयर हिना कोटेड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हेयर्स में प्री लाइटनिंग के बाद हमने इन हेयर्स में की थी डिपॉजिटिंग, जिसके लिए हमने यूज़ किया था इगोरा यानी शॉर्ट्सकॉफ कंपनी का डेवलपर 20 वॉल्यूम और L89 कलर, जो वो भी शॉर्ट्सकॉफ कंपनी की ट्यूब यूज़ की थी। दोनों की जो हमने मिक्सिंग है अच्छे तरीके से कर ली थी, बराबर मात्रा में हमने दोनों को मिक्स कर लिया था और जिन हेयर्स पे हमने प्री लाइटनिंग की थी उन्हीं पे अच्छे से डिपॉजिटिंग कर दी थी। आपने हाथों में अच्छे से ग्लव्स वेयर कर लेने हैं, बहुत अच्छे तरीके से इमल्सिफिकेशन कर देनी है और 20 मिनट्स का वेट करना है। उसके बाद हेयर वॉश करने हैं आपने, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ करना है। जब भी आप बालों में प्री लाइटनिंग या हाई लाइटिंग करवाते हो तो आप बालों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, बालों में प्रॉपर तरीके से शैम्पू कंडीशनर मास्क यूज़ करें, हो सके तो महीने में एक बार हेयर स्पा लें ताकि बालों की अच्छी मेंटेनेंस हो जाए। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बाल ड्राई नहीं होने चाहिए आपके, और कोई भी होम रेमेडी आपने इन बालों में यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका जो कलर है वो जल्दी ही फेड हो जाएगा। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू का यूज़ करोगे तो उससे कलर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।